हेलो गाइस, वेलकम बैक टू BSW स्टॉक्स एंड फाइनेंस। मैं निकेत दसवानी फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारी न्यू वीडियो पे। आज हम जानेंगे कि शेर खान के ट्रेड टाइगर में ऑप्शंस ट्रेडिंग कैसे करना है। तो आप लोगों को वैसे जनरली अगर ट्रेड टाइगर का बिल्कुल ट्यूटोरियल नहीं पता है तो आई बटन पे मैंने एक बेसिक टू एडवांस ट्यूटोरियल ऑलरेडी दे रखा है, तो आप पहले वो देख लीजिएगा। वो देखने के बाद आपको थोड़ा बहुत ट्रेड टाइगर यूज कैसे करना है उसका आइडिया आ जाएगा। फिर अपन अभी ये वाली वीडियो देख रहे हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करना है शेर खान में। तो उसमें अपन देखेंगे आज के ऑप्शन को सर्च कैसे करना है ट्रेड टाइगर पे, एंड ऑप्शन सर्च करने के बाद उसको ट्रेड कैसे करना है, ब्रैकेट ऑर्डर कैसे प्लेस करना है वगैरह वगैरह। मार्जिन कैसे दिखता है कि ऑप्शन आप ले रहे हो या सेल कर रहे हो, शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो तो मार्जिन आपको कितना लगेगा, वो सब अपन ये वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको सर्च करना पड़ेगा कि ऑप्शन है कहाँ पे, तो अगर आपको कोई आपको ये इंटरफेस खुल जाएगा, जैसा आप देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा लॉग इन करने के बाद। तो आपको क्या करना है, दो ऑप्शन है, दो तरीके हैं सर्च करने के ऑप्शन कहाँ मिलेगा। सबसे पहले तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, इसको ऑल कर लीजिए, फिर यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं कोई भी अगर आपको ऑप्शन सर्च करना है। तो सपोज मैं अभी लेता हूँ बैंक निफ्टी और अभी चल रहा है 39,956। देखो मैं लाइव मार्केट में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं 40,000 का कॉल लेना चाहता हूँ, 40,000 लिख देता हूँ मैं, तो यहाँ पे मुझे आ जाएगा देखो बैंक निफ्टी 23 मार्च की एक्सपायरी वाला और 29 मार्च की एक्सपायरी वाला कॉल भी आ रहा है, पुट भी आ रहा है 40,000 का। सपोज मुझे कॉल लेना है तो मैं यहाँ से डायरेक्टली बाय सेल या चार्ट देख सकता हूँ, सेट अलर्ट अलर्ट भी सेट कर सकते हैं आप ट्रेड टाइगर में, ऐड टू मार्केट वॉच भी कर सकता हूँ। ऐड टू मार्केट वॉच करूंगा तो एक अलग से वॉच लिस्ट बना देगा जिसमें ये पूरा ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे नजर रख सकते हैं कि चल क्या रहा है। एंड दूसरा तरीका क्या है, देखो ऑर्डर प्लेस कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ, पहले ऑप्शन सर्च कैसे करना है उसका तरीका देख लेना है। तो दूसरा तरीका ये है ऑप्शन सर्च करने का कि आप मार्केट वॉच में जाएंगे, यहाँ से आप डायरेक्ट ऑप्शन चेन में जाएंगे। पॉसिबली आपका ऑप्शन चेन खुला होगा या बंद होगा डिपेंडिंग कि आपके कैसा है, बिकॉज अभी मैं ट्रेड अगर यूज कर रहा था इसलिए मेरा फिलहाल ऑप्शन चेन बंद है। आपके में ये ऑप्शन खुला होगा, आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो डायरेक्ट खुल जाएगा ऑप्शन चेन। अब मुझे चालू करना है तो कैसे कर रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। बाय चांस आपके में अगर ऑप्शन चेन बंद होता है तो आपको क्या करना है, ऑप्शन चेन यहाँ से चालू करने के लिए किसी भी NSE पे जाइए, किसी भी स्टॉक को सर्च कीजिए यहाँ निफ्टी 500 में जाके। ये अगर आपको नहीं आता है तो आप पिछला ट्यूटोरियल देख सकते हैं, उसमें मैंने समझाया। किसी भी ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट कर लीजिए जो ऑप्शंस में ट्रेड होता है। सपोज यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं एशियन पेंट सिलेक्ट कर लेता हूँ बिकॉज ये ऑप्शंस में ट्रेड होता है ऑफकोर्स। फिर मैं वापस मार्केट वॉच पे जाऊंगा तो आप देख सकते हैं ऑप्शन चेन हमारा ऑप्शन खुल गया है, बंद नहीं है अब। तो मैं ऑप्शन चेन पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ से ऑप्शन चेन खुल जाएगी एशियन पेंट की, बिकॉज मैंने एशियन पेंट को सिलेक्ट करके रखा था। तो अगर आप जनरली कोई न्यू लॉगिन करते हो तो आपको कुछ ऑप्शन नहीं आएगा, डायरेक्ट आपके में ऑप्शन चेन खुला ही रहेगा, बंद नहीं होगा, तो दिक्कत वाली बात नहीं है ये। तो इनकेस अगर बाय चांस बंद रहता है तो आपको ऐसे ढूंढना है ऑप्शन चेन, ऐसे एक्टिवेट करना है उसको। यहाँ से क्लिक करेंगे, अब मुझे बैंक निफ्टी का देखना है तो मैं बैंक निफ्टी सर्च करूंगा, यहाँ पे एंटर करूंगा, फिर यहाँ पे मैं शो पे क्लिक करूंगा तो पूरा बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन चेन है वो खुल जाएगा। एंड ट्रेड टाइगर का ऑप्शन चेन बहुत ही एडवांस लेवल है, यहाँ पे आपको सब बहुत सारी वैरायटी देखने में, ओपन इंटरेस्ट वगैरह फिर बिल्डअप वगैरह सब कुछ देखने मिल जाता है। आप देख सकते हो चेंज इन OI एंड सब कुछ मिल जाता है, परफॉर्मेंस क्या चल रहा है सब, एंड लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस, ऑफर प्राइस, बिड प्राइस वगैरह वगैरह, क्वान्टिटी सब कुछ दिख जाता है, टाइम वैल्यू भी दिख रहा है आपको। तो यहाँ से भी आप कोई ट्रेड ले सकते हो, सपोज आपको 40,000 का कॉल लेना है तो ये रहे कॉल्स आप देख सकते हैं, एंड ये रहे पुट्स, ये सारे के सारे पुट्स है, ये सारे के सारे कॉल्स है, जो भी आपको लेना हो आप उस हिसाब से ऐप जो आपका एनालिसिस है उसको यूज करके आप यहाँ से डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हो। अब यहाँ पे आओगे, सपोज आपको लेना है 39,500 का पुट तो आप 71 पे यहाँ कहीं पे भी राइट क्लिक कर लोगे माउस पे तो आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा, बाय सेल व्यू चार्ट सब कुछ ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको इसको सेपरेट मार्केट वॉच में ऐड करना है तो भी आप यहाँ से क्लिक करके मार्केट वॉच में भी ऐड कर सकते हो, एक अलग ये आपका जो है यहाँ पे आ जाएगा जो आपका रिसेंटली खुला होगा, अगर खुला नहीं होगा तो एक अलग से वॉच लिस्ट बन जाएगी। तो यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि क्या रेट चल रहा है अगर बाय कर लिया है आपने या बाय करना चाहते हो तो उसके बाद। तो अब देखते हैं बाय कैसे करना है, या तो आपने यहाँ से सर्च कर लिया, ठीक है, या तो आपने यहाँ से सर्च कर लिया, ओवरऑल हो गया। अब आपको प्लेस कैसे करना है ऑर्डर तो मैं आपको सिखाता हूँ, और मार्जिन कैसे दिखेगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ से दिखा देता हूँ, सपोज आपको ये प्लेस करना है ऑर्डर तो आप यहाँ से बाय करेंगे, ठीक है। आप यहाँ से भी कर सकते हो ऑप्शन चेन में से भी डायरेक्टली, जैसे मैंने आपको सिखाया कि आप ऑप्शन चेन में से भी बाय सेल कर सकते हो, सपोज आपने यहाँ पे राइट क्लिक कर लिया, बाय सेल कर सकते हो।
तो आपको ऐसा बॉक्स खुल जाएगा अगर आप बाय कर रहे हो तो। अब मार्जिन कैसे दिखेगा देख सकते हो आप। अभी आप 25 क्वांटिटी लेते हो 70 के प्राइस से, तो आपके अकाउंट में एटलीस्ट इतना मार्जिन होना चाहिए 1763। अब मैं अगर क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ, देखो 50 कर दिया मैंने तो मार्जिन चेंज हो गया, 75 कर दिया तो मार्जिन चेंज हो गया, 100 कर दिया तो मार्जिन चेंज हो गया। इस हिसाब से ये फ्लक्चुएट होता रहता है। एंड प्राइस भी अगर मैं चेंज कर देता हूँ, सॉरी 25 प्राइस भी अगर मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, सपोज मुझे 60 के रेट से ही बाय करना है तो मैं 60 कर दूंगा, तो देखो प्रीमियम चेंज हो गया। उस हिसाब से आपको प्रीमियम यहाँ पे दिख जाएगा। फिर आपको ब्रैकेट ऑर्डर लगाना है तो आप यहाँ से ब्रैकेट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, एंड यहाँ पे आप स्टॉप लॉस और यहाँ पे आप टारगेट लगा देंगे, एज सिंपल एज दैट। सपोज ये आपका स्टॉप लॉस समझो आपको लगाना है कि आपको एक, सपोज आपने 60 पे बाय करना है, आपको स्टॉप लॉस लगाना है 45 का, तो यहाँ पे आप लगा दो 45। एंड टारगेट आपको यहाँ पे लगाना है जो भी आपको, सपोज 60 पे बाय के आपने 75 का टारगेट लगाना है, 75 का टारगेट क्लिक कर दो। एंड अगर आप यहाँ पे प्राइस को जीरो कर देते हो तो जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उस रेट पे बाय हो जाएगा। यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी हुआ है जीरो इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस। यानी अगर आप यहाँ पे जीरो करते हो और प्लेस करते हो ऑर्डर, तो जो भी मार्केट प्राइस चल रहा होगा, सपोज ये आपने कौन सा लिया है, ये 71 वाला है, यहाँ पे ये 71.65 70 जो भी चल रहा है, अगर आप प्लेस करते हो तो उस प्लेस ऑर्डर होने के बाद कंफर्म पे क्लिक करते ही जो भी प्राइस चल रहा होगा उस प्राइस पे आपका बाय हो जाएगा, जितना क्वांटिटी आपने डिसाइड किया है। एंड अगर आप चाहो स्पेसिफिकली कोई रेट लिख के बाय करना तो वो भी कर सकते हो। अब मैं इसमें थोड़ा आपको फंडा समझा देता हूँ। थोड़ा सा एक ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप यहाँ पे 60 करते हो तो आपको ट्रिगर प्राइस डालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 60 जब तक नहीं आएगा तब तक बाय नहीं होगा, ठीक है। बट अगर आपको एक लेवल के ऊपर बाय करना है, सपोज अभी 72 चल रहा है दिख रहा है आपको नीचे, ठीक है, बट आपको 80 के ऊपर ही बाय करना है, तो अगर अभी आप 80 करके बाय कर दोगे ना प्लेस ऑर्डर, तो 71.80 या 70.50 जो भी चल रहा है उस पर बाय हो जाएगा, तो आपको उस केस में ट्रिगर प्राइस डालना पड़ेगा। तो अभी अपन समझते हैं 69 चल रहा है और मुझे 80 पे बाय करना है, तो मुझे यहाँ पे 80 डालना पड़ेगा। अगर 80 पे बाय चांस नहीं मानता है तो 80.10, अगर 80.10 भी नहीं मानता है तो 79.90, हाँ थोड़ा 5-10 पैसे आगे पीछे करके आप ट्रिगर प्राइस लगा दोगे, तो जैसे ही वो प्राइस आएगा उस टाइम पे ही आपका ऑर्डर ट्रिगर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एंड अगर आपका ये सपोज चल रहा है 68 और आपको 60 पे बाय करना है क्योंकि वो नीचे हो गया जो मार्केट प्राइस चल रहा है, तो आपको ट्रिगर प्राइस डालने की जरूरत नहीं है, जब तक 60 नहीं आएगा तब तक वो बाय नहीं होगा, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। आप समझ गए, यहाँ से आपको प्लेस ऑर्डर करना है, फिर कन्फर्म आएगा, कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो बाय हो जाएगा, और देखेंगे कहाँ पे रिपोर्ट्स पे आके ऑर्डर्स पे देख लेंगे, ऑर्डर्स पे आपको फुल्ली एग्जीक्यूटेड दिखाता है तो फुल्ली एग्जीक्यूटेड हो चुका है मतलब, एंड अगर नहीं दिखाता है तो नहीं हुआ है, कैंसल या कुछ भी रिजेक्टेड जो भी हो सकता है अगर आपका फंड ना हो तो। अब अपन देखेंगे सेल कैसे करना है। यहाँ पे आप आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, सेल स्क्रिप्ट, ठीक है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, मैं आपको वापस से समझा देता हूँ, फिर आप लोग ऐसे कन्फ्यूज मत होइएगा कि सिर्फ मैं वॉचलिस्ट में ऐड करने के बाद ही बाय सेल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट ऑप्शन से इनमें से भी कर सकते हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अब सेल करना है, आप देख सकते हो एक लॉट सेल करना है 25 क्वांटिटी, वही वाला मार्जिन आप देख सकते हो यहाँ पे आपको पूरा दिखा रहा है 1,25,869 रुपीज आपके अकाउंट में होना चाहिए, आपके लिमिट स्टेटमेंट में जो आपको यहाँ दिख जाएगी लिमिट स्टेटमेंट, उसके में आपके पास ट्रेडिंग लिमिट इतनी होनी चाहिए 1,25,869, यानी कि इतना फंड आपके पास होना चाहिए तो ही आप सेल कर पाओगे। ये शेर खान की बहुत बढ़िया बात है ट्रेड टाइगर की, कि आपको मार्जिन दिखा देता है, मैं 50 क्वांटिटी करूंगा तो मार्जिन बढ़ जाएगा, 75 करूंगा तो मार्जिन बढ़ जाएगा, 100 करूंगा तो 5,03,477 रुपीज का मुझे मार्जिन देना पड़ेगा, तो ये एक बढ़िया चीज है, तो मैं फिलहाल 25 रखता हूँ। एंड यहाँ पे भी आप सेम वे से ब्रैकेट ऑर्डर करके आप स्टॉप लॉस और टारगेट लगा सकते हो। अब इसमें आपको जो मैंने ट्रिगर प्राइस का फंडा बता रहा हूँ वो थोड़ा अलग है बाइंग के साइड से। अभी अगर आपको देखो फिलहाल मैं आपको दिखा दूं क्या रेट चल रहा है, आपको देखना है सपोज 70.50 चल रहा है, ठीक है, अभी आपको सेल करना है 60 पे, तो 60 पे सेल करना है तो आपको ट्रिगर प्राइस लगाना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा है कि मैं 60 पे आएगा तो ही सेल करूंगा तो उस केस में आपको ट्रिगर प्राइस लगाना पड़ेगा। तो जैसे बाइंग पे अपन ने नीचे करना था तो फिर नहीं करना था ट्रिगर प्राइस, बट सेलिंग में अगर आपको नीचे सेल करना है तो आपको ट्रिगर प्राइस लगाना पड़ेगा। तो अगर 70 चल रहा है आपको 60 पे ही सेल करना है तो आपको ट्रिगर प्राइस लगाना पड़ेगा, जो कि हो सकता है 60.10 या सॉरी मेरा 60 लगाया नहीं 60.10 या जो भी आप थोड़ा 5-10 पैसे आगे पीछे जो भी अप्रूव करता हो उस टाइम पे वो आप लगा दो, हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर आपको ऊपर ऊपर सेल करना है
लाइक अभी 70 चल रहा है, 69.65 चल रहा है, अगर आपको 75 पे सेल करना है तो आप 75 लगा दोगे ना, तो जब तक 75 नहीं आएगा तब तक आपका पेंडिंग रहेगा, ये आपका बेनिफिट रहेगा। और इस तरीके से आप यहाँ पे अपना टारगेट और सपोर्ट लगा के प्लेस ऑर्डर कर सकते हो। ट्रिगर प्राइस का फंडा आपको आई होप समझ में आ गई हो। एंड लास्ट टाइम एक और बार मैं आपको ट्रिगर प्राइस का समझा देता हूँ। अगर बाय कर रहे हो तो नीचे, अगर बाय कर रहे हो सपोज मार्केट प्राइस ये चल रहा है, आपको नीचे बाय करना है तो ट्रिगर प्राइस लगाने की जरूरत नहीं है, ऊपर बाय करना है तो ट्रिगर प्राइस लगाने की जरूरत है। सेल में नीचे सेल करना है तो ट्रिगर प्राइस लगाने की जरूरत है, ऊपर सेल करना है तो ट्रिगर प्राइस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये फंडा खाली क्लियर रखना अपने माइंड में, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, जैसा है वैसा है, ठीक है, बाकी तो सब नॉर्मल है। एंड आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है या वगैरह वगैरह, वो आपको टर्नओवर पे दिख जाएगा यहाँ पे डेरिवेटिव्स में। ये क्या सेगमेंट है, ये डेरिवेटिव सेगमेंट है। यहाँ पे आपको ऑर्डर्स की डिटेल मिल जाएगी, फुल्ली एग्जीक्यूटेड आता है मतलब ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है, पेंडिंग आता है मतलब पेंडिंग है, ट्रिगर्ड आता है मतलब वो ट्रिगर होने का वेट कर रहा है, ठीक है। एंड टर्नओवर पे आपको दिख जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस क्या चल रहा है। एंड टर्नओवर पे भी आपको मैं ऐसे यहाँ पे तो नहीं दिखाएगा बिकॉज कोई पोजीशन है नहीं, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। टुडेज एमटीएम, एमटीएम का मतलब अभी बुक नहीं हुआ है, अभी पोजीशन ओपन है। एंड बीपीएल में आ जाता है ना, टुडेज टोटल बीपीएल एंड टोटल बीपीएल, इन दोनों में आ जाएगा, यानी बुक हो चुका है, वो पोजीशन पेंडिंग नहीं है। तो जब तक एमटीएम में है आपका कोई भी, तो आपको समझना है आपका भी पोजीशन ओपन है, क्लोज नहीं हुआ है आपकी आपका। एंड बीपीएल में आ जाता है यानी पोजीशन क्लोज हो चुका है, ये बात का ध्यान रखना। तो गाइस मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपका शेयरखंड में अकाउंट प्रॉबेबली होगा ही, मोस्ट प्रॉबेबली 90% चांस है कि आपका शेयरखंड में अकाउंट होगा ही। तो अगर आप ना जानते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डेली 3 to 4 बैंक निफ्टी कॉल्स, एक इक्विटी इंट्राडे कॉल एंड एक कमोडिटी कॉल, और वीक में एक स्विंग ट्रेड भेजते हैं। इतने सारे कॉल्स हम एजुकेशनल पर्पस वाले भेजते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और हमारा ब्रोकरेज चार्ज शेरखान में, वो भी आपको डिस्प्ले में आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमारा लो ब्रोकरेज चार्ज है एंड ऑप्शंस में हमारा 20 rupees है सिर्फ। एंड अगर आपका डेली टर्नओवर 7 to 8 lots के ऊपर जाता है ऑप्शंस में, तो हम सिर्फ 15 rupees करके देंगे आपको ब्रोकरेज। एंड इन फ्यूचर 15 to 25 lots के ऊपर बढ़ता है आपका ऑप्शंस टर्नओवर, तो सिर्फ 10 rupees हम आपको ऑप्शंस में ब्रोकरेज करके देंगे सर। और अगर आप सोच रहे हो कि इतना बेनिफिट आपको कैसे मिलेगा जबकि आपका अकाउंट तो मेरे अंडर है ही नहीं, तो आपका करंट शेयरखान अकाउंट जो आपके पास अभी है, वो ब्रांच जो आपकी है उसको आप हमारे अंडर शिफ्ट करवा सकते हो हमारी शेरखान ब्रांच में। इनफैक्ट अगर आप नहीं देखते हो, हमारी शेरखान की ऑफिस पे ही हम बैठे हैं, आप देख सकते हैं, ये हमारी खुद की शेरखान की ऑफिस है। आप चाहो तो आपकी ब्रांच हमारी ब्रांच में डिजिटली फ्री ऑफ कॉस्ट शिफ्ट कर सकते हो बिना किसी चार्ज के। डिजिटल प्रोसेस है, कोई पेपर वर्क वगैरह या कोई स्टैंप वगैरह कुछ भी, कोई भी पेपर फॉर्म वगैरह साइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिजिटल प्रोसेस है। 1 to 2 days के अंदर आपका अकाउंट भी शिफ्ट हो जाएगा हमारे अंडर एंड आपकी ब्रोकरेज भी रिड्यूस हो जाएगी एंड आपको कॉल्स का बेनिफिट मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। पहले आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना हमारा, जिधर हम ये डेली 5 to 7 कॉल्स भेजते हैं अलग अलग टाइप के, ऑप्शन है, इंट्राडे है, कमोडिटी है, वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेंगे। एजुकेशनल पर्पस वाले कॉल्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेंगे। एंड ब्रोकरेज भी आपकी रिड्यूस हो जाएगी, आपको सर्विसेज भी मिलेगी, रिलेशनशिप मैनेजर भी मिलेगा, टेक्निकल प्रॉब्लम होगी वो भी आपकी सॉल्व हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो शिफ्टिंग करना हो तो नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, हमको शिफ्टिंग करके मैसेज कीजिए, हम आपको प्रोसेस बता देंगे। कुछ खाली आपको स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर करने की जरूरत पड़ेगी एंड हम बाकी का पूरा प्रोसेस कर लेंगे, फिर आपको कॉल वगैरह आएगा कंफर्म करने के आपकी ब्रांच से, बस छोटा सा प्रोसेस है। एंड अगर आपका शेरखान में अकाउंट नहीं है या ऑलरेडी है लेकिन आप उसको शिफ्ट नहीं कर सकते, तो आप आपके किसी और मेंबर के नाम से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या अगर आपका नहीं है अकाउंट तो आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है शेरखान में अकाउंट ओपनिंग का हमारे अंडर हमारे ब्रांच में, तो वहां से जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो अगर आपका नहीं है। अगर आपका है आप शिफ्ट नहीं कर सकते, तो आपके किसी रिलेटिव के नाम पे या आपके किसी फ्रेंड के नाम पे अकाउंट ओपन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, फ्री अकाउंट ओपनिंग है, कोई चार्ज नहीं है। एंड वो लिंक से करोगे तो हमारी ब्रांच में ही अकाउंट ओपन होगा और ये सब बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। स्क्रीनशॉट्स भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो भी आपको स्क्रीनशॉट्स देखने मिल रहे हैं वो टाइप के हमारे सर्विसेज जा रहे हैं, प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स भी है एंड बहुत तगड़े कॉल्स जाते हैं, आप देख सकते हैं प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स, हर एक टाइप के कॉल्स हैं हमारे पास। तो कोई भी काम हो या कुछ क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिया हुआ है एंड कमेंट करना अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी क्वेरी हो आपकी, और उनको मैं वीडियो बना सकूँ उसके ऊपर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।